Are you searching for sunscreen cream? Not anymore. Hi guys, welcome back to my channel. Guys, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन क्रीम का रिव्यू जो कि है O3 Plus Professionals Mattifying Gel Cream SPF 50. इस क्रीम को मैंने परचेज किया था Amazon से और ये 3-4 डेज के अंदर मेरे पास डिलीवर हो गई थी. गाइज, सनस्क्रीन क्रीम हमेशा हमें यूज करनी चाहिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ताकि हमारे स्किन यूवी रेज से प्रोटेक्ट रहे और हमारी स्किन में टैनिंग ना हो. लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. तो इसलिए आज मैं एक ऐसी क्रीम लेके आई हूँ जिसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल स्वेटिंग फील नहीं होगी. वो है O3 Plus Professionals Mattifying Gel Cream SPF 50. इस क्रीम को मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ और यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से. तो गाइज, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है. सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग के ऊपर मिल जाएंगी. इस प्रोडक्ट का प्राइस है 445 रुपीज़. 445 रुपीज़ में आपको 50 ग्राम की ट्यूब मिलती है और इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स. जब आप इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग ओपन करोगे तो ये क्रीम एक ट्यूब पैकेजिंग में आती है जिसके ऊपर एक फ्लिप कवर होता है. जब इसको आप शट करते हो तो एक टक की साउंड आती है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है. ट्यूब पैकेजिंग होने की वजह से ये प्रोडक्ट हाइजीनिक टू यूज़ है और इससे आप राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आसानी से ले सकते हो. गाइस, इस प्रोडक्ट की अगर टेक्स्चर की बात की जाए तो इसका एक क्रीमी टेक्स्चर है और इसकी कंसिस्टेंसी थिक कंसिस्टेंसी है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है जो कि आपको बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करती है. ये एक मैटिफाइंग जेल फॉर्मूला है जो कि SPF 50 के साथ है जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन सन से प्रोटेक्ट रहती है और ये आपको नॉन ऑयली और नॉन ग्रीसी इफेक्ट देती है. जब आप इसको लगाते हो तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं बल्कि आपको एक कूलिंग सेंसेशन फील होती है. गाइस, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है जो आपको बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करती है. ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट तो करता ही है बल्कि सन टैनिंग भी रिमूव करता है. ये प्रोडक्ट आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है. अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है तो उसको रिड्यूस करता है और एक्ने से प्रिवेंट करता है. ये प्रोडक्ट नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सुटेबल है. इसे ड्राई स्किन वाले ना यूज़ करें क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके स्किन को एक मैट फिनिश मिलती है. गाइस, ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड इन इटली है और इसे मेन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं. गाइस, अगर इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं वो आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ स्किन को सन से प्रोटेक्ट करते हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स इधर मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं. इसमें एक वार्निंग भी मेंशन की हुई है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करें तो अपने आईज से थोड़ा दूर रखें. इफ़ प्रोडक्ट एंटर द आईज तो रिंस विद वाटर. इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए जब भी आप सन के एक्सपोजर में जाएँ, घर से बाहर जाएँ, तो आपको आधे घंटे पहले अप्लाई करना होता है तभी ये अच्छी तरह से वर्क करता है. इसकी ज़रा सी क्वांटिटी ही काफ़ी होती है इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत अप्लाई करेगा. ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करने से आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट लगे. इसलिए इसकी ज़रा सी क्वांटिटी काफ़ी होती है. इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करिए और डैप करके अप्लाई करिएगा. इसका क्रीमी टेक्स्चर है जो कि स्किन में ईजिली अब्जॉर्व हो जाता है और आपको एक मैट फिनिश देता है. इस प्रोडक्ट को आपको डेली यूज़ करना है. अगर आपके एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं तो आपको 3-4 आवर्स बाद दोबारा से रीअप्लाई करना होता है तभी आपको एक अच्छा इफेक्ट मिलता है. सो गाइस, ये था ऑल अबाउट O3 Plus Professionals मैटिफाइंग जेल क्रीम के बारे में. इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट तो मैंने इसका खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर द डे. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल कम अप विथ न्यू वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर. Bye-bye. Love you all.